हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी आर चेंज द लाइफ। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है काइंड मास्टर के बारे में कि काइंड मास्टर के अंदर एडिटिंग कैसे की जाती है, काइंड मास्टर का ट्यूटोरियल, पूरी जानकारी होगी काइंड मास्टर की और क्या क्या उसके अंदर फीचर होते हैं, पूरे फीचर बताए जाएंगे, कैसे उसके अंदर पूरी एडिटिंग की जाती है अच्छी तरह से, पूरी की पूरी डिटेल उसके अंदर होगी। तो दोस्तों आज आपको पूरी जानकारी दी जाएगी काइंड मास्टर की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करके जरूर जाना। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं काइंड मास्टर। हमारे चैनल की वीडियो देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी। तो देखते रहिए हैप्पी आर चैनल। तो दोस्तों आज आपको काइंड मास्टर के हिडन फीचर के बारे में बताया जाएगा, कैसे काइंड मास्टर से एडिटिंग की जाती है, कैसे काइंड मास्टर के फंक्शन है, कैसे उसके साथ पूरी एडिटिंग बिल्कुल बेस्ट एडिटिंग होगी, तो कैसे आपको करनी है वो आपको बताते हैं। तो इसके लिए आपको काइंड मास्टर एप्लीकेशन की जरूरत होगी, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, मेरे पास है, मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं काइंड मास्टर पे करता हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद हमारा काइंड मास्टर हो जाएगा ओपन। उसके बाद जो प्लस का निशान है वहाँ पे कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आ जाएंगे, एम्प्टी प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट। तो हमें एम्प्टी प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है वीडियो एडिटिंग करने के लिए। तो एम्प्टी प्रोजेक्ट पे करते हैं क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों फीचर खुल जाएंगे। ये देखिए, मीडिया ब्राउजर, लेयर, वॉइस और ऑडियो। पहले इन फंक्शन को समझ लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या है और कैसे हमें एडिटिंग करनी है। हमें आप एडिटिंग करने के लिए उसके सबसे पहले मीडिया ब्राउज़र पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ऑप्शन आ जाएंगे, चाहे आप कोई बैकग्राउंड लेना चाहें अपनी वीडियो के लिए तो वो भी ले सकते हैं, या डायरेक्ट अपनी वीडियो को आप चाहते हैं कि डायरेक्ट वीडियो को एडिटिंग करना है विदाउट बैकग्राउंड तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं विदाउट बैकग्राउंड करके दिखाता हूं आपको। तो मैं अपनी एक वीडियो उठा लेता हूं कोई, उस पर कर देता हूं क्लिक। क्लिक करने के बाद मेरी वीडियो यहां पर आ चुकी है। तो दोस्तों अगर मैं इसके साथ कोई दूसरी वीडियो अटैच करना चाहता हूं या कोई फ़ोटो अटैच करना है तो वो भी हमें मीडिया ब्राउज़र पर क्लिक करने के बाद अटैच कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं एक फ़ोटो चाहता हूँ अपना एक, तो मैं एक फ़ोटो, ये मेरा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, ये हो गया इसके साथ अटैच। ऐसे ही आप वीडियो अटैच कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए मुझे ये वीडियो यहाँ से काटनी है तो मुझे क्या करना होगा, तो जो ऊपर जो कैंची का निशान है उस पर कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद ऑप्शन आ जाएंगे, राइट की तरफ से काटना चाहें या लेफ़्ट से या स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है कि आप वीडियो के दो पार्ट करना चाहते हैं, लेफ़्ट वाला भी राइट वाला भी, और उसके बीच से काटना चाहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैं राइट से काटना चाहता हूँ, राइट पे करता हूँ क्लिक, तो ये कट गया। उसके बाद हमने शेव कर देना है। तो दोस्तों ऐसे कटती है, चाहे आप आगे से काटे चाहे या पीछे से काटे, ऐसे कट जाती है। उसके बाद देखिए जो बॉक्स बनता है ये वाला, इसका फीचर आप देख लीजिए, ये वाला बॉक्स इसका होता है इफेक्ट वाला, ये होता है ट्रांसिटेंस, ठीक है। इससे आपकी वीडियो एक ब्यूटीफुल नज़र आएगी, बिल्कुल बढ़िया से तरीके से शो होगी, चलेगी। आप ये देख लीजिए, मैं आपको दो तीन बता देता हूँ, उसके बाद आप अपने आप ऐसे करके अपनी वीडियो की एडिटिंग कर सकते हैं। तो मैं 3D पे करता हूँ क्लिक। ये 3D पे क्लिक करने के बाद देखिए ऑप्शन आ जाएंगे, आप किसी पे भी क्लिक करके देख लियो, ये देख ऑप्शन अलग अलग निकल के आएंगे इसके फंक्शन, ठीक है। आप कुछ भी इसके साथ एडिटिंग कर सकते हो, आप चाहे तो इनकी स्पीड कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे हो जाए। इसके बाद दोस्तों क्लासिक पे देख लेते हैं, क्लासिक पे भी ये फंक्शन निकल के आएंगे इसके फीचर इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद फन पे क्लिक करते हैं, फन पे भी दोस्तों ऐसे ही इसके अलग अलग फीचर आते हैं, अलग अलग एडिटिंग होते हैं। हार्ट पे क्लिक करते हैं तो हार्ट वाला ऐसे आएगा, अगर हम स्टार पे क्लिक करते हैं तो स्टार वाला ऐसे आएगा, ठीक है। ये देखिए, तो हमें उसके बाद हमने जो भी हम क्लिक करेंगे उसके बाद हमने सेव कर देना है यहाँ पे राइट की तरफ पे क्लिक करके। तो हम करते हैं सेव, यहाँ पे सेव कर देना, ठीक है। जो भी आप एडिट करना चाहो उसमें राइट की तरफ से क्लिक करके सेव कर देना। मान लीजिए मुझे वीडियो को या इस फोटो को डिलीट करना है, इसको, ठीक है, डिलीट करना चाहता हूँ, मतलब गलत हो गया। तो डिलीट कहाँ से होगा, तो हमें इसके ऊपर क्लिक कर देना है यहाँ पे। उसके बाद जो बॉक्स आएगा ये वाला, यहाँ पे क्लिक कर देना है, डिलीट भी हो जाएगा। चाहे वीडियो डिलीट करनी हो, चाहे फोटो डिलीट करनी हो, कुछ भी डिलीट करना हो आपको यहाँ बॉक्स पे क्लिक करना ही होगा, लेफ्ट की तरफ वाला। तो मान लीजिए मैं इस पर करता हूँ क्लिक, डिलीट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इसका एक फीचर देख लेते हैं, अगर हम कोई क्रॉप करना चाहते हैं, ये देखिए, तो इस पर हमने क्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे करके, और क्रॉपिंग हो गया ये, ठीक है, ऐसे क्रॉपिंग होता है, ठीक है। ये फीचर हमें आपने समझ लिया। अब इसका लेयर का ऑप्शन आता है, लेयर पे देखिए इसके फिर फीचर निकल के आ गए हैं, मीडिया, इफेक्ट, ओवरले, टेक्स्ट और हैंड राइटिंग। तो मीडिया के अंदर दोस्तों क्या होता है, आपके वीडियो, फ़ोटो वगैरह सारे आ जाते हैं जो आप अपनी वीडियो पे लगा सकते हैं। आपको एक फ़ोटो लगा के दिखाता हूँ, देखिए। तो ये फ़ोटो पे हम क्लिक करते हैं, तो फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद ये हमारा फ़ोटो यहाँ पे आ गया। चाहे इसको हम जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं, जितना मर्जी छोटा कर सकते हैं, ठीक है, और जहाँ पे हम लगा सकते हैं इसको, हम जहाँ पे चाहे पूरी वीडियो पे लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, या बिल्कुल छोटा सा लगाना चाहें लगा सकते हैं, ठीक है। अगर डिलीट करना हो तो दोस्तों इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं इस पर क्लिक करने के बाद, इस बॉक्स पे, तो ये डिलीट हो जाएगा, ये देखिए डिलीट हो गया। ऐसे ही आप कोई वीडियो इस पर लगा सकते हैं, उसके बाद आपने सेव कर देना, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं एफएक्स के इफेक्ट की। इफेक्ट की इसके अंदर कुछ दोस्तों कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको ओवरले की जरूरत होगी। ओवरले के अंदर आते हैं स्टिकर। अगर आप अपनी वीडियो के अंदर कोई स्टिकर लगाना चाहें वो स्टिकर लगा सकते हैं। जैसे ये स्टिकर है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये स्टिकर यहाँ पर हो जाएगा। अगर मैं इसको पूरी वीडियो पर चाहता तो पूरी वीडियो पर भी आ जाएगा, कम चाहता कम आ जाएगा। इसको छोटा बड़ा भी हम कर सकते हैं, ये देखिए समझ गए, ऐसे छोटा बड़ा हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों इसके अंदर हम जाना देना चाहें कोई अलग से, तो ये देखिए एनिमेशन आ जाएगा। एनिमेशन पे करते हैं क्लिक, ये देखिए ये ऐसे ही हो जाएगा। अगर हम पॉपअप करना चाहते हैं तो ये भी एनिमेशन है दोस्तों, कुछ भी आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। अगर डिलीट करना चाहें तो वही डिलीट वाला ऑप्शन आएगा। तो मान लीजिए आपको सारे एनिमेशन बता देता हूँ मैं, ये भी एनिमेशन का है, ये भी एनिमेशन वाला है और ये भी एनिमेशन है। इसके अंदर एनिमेशन होते हैं, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने एनिमेशन दे दिया है। अब हम अगला ऑप्शन की बात करते हैं, लेयर के अंदर जो है टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर दोस्तों आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये देखिए लिखने के लिए, उसके बाद ओके कर देना है और इसको अपनी वीडियो पे कहीं पे भी लगा सकते हैं, चाहे छोटा करके या बड़ा करके, कहीं पे भी आप सेट करना चाहें वही लगा सकते हैं। और पूरी वीडियो पर चाहते पूरी वीडियो पर भी लग जाएगा, ये देखिए इसे बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हम कलर चेंज कर सकते हैं इसका, कलर के अंदर ये देखिए पिंक वाला, ओके कर दिया तो ये कलर चेंज हो जाएगा, ऐसे आ जाएंगे। तो उसके बाद हमें करना क्या होगा, अब नेक्स्ट ऑप्शन अब आपको बताते हैं। लेयर पे दोबारा क्लिक करते हैं, उसके बाद हैंड राइटिंग आ जाएगा। हैंड राइटिंग के अंदर दोस्तों आप कुछ भी ब्लर करना चाहते हैं, ये देखिए ऐसे ब्लर हो जाएगा, सेम टू सेम आपका ये ब्लर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ब्लर होने के बाद ये देखिए तो ये हमारा ब्लर हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं वॉइस वाला, तो वॉइस पे क्लिक करते हैं। तो वॉइस के अंदर दोस्तों हम कोई भी अपनी आवाज़ दे सकते हैं, अपनी वीडियो के अंदर कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हम सेव करना, जैसे मैंने इतनी आवाज़ देनी थी स्टॉप कर दिया और इसको फिर मैंने इसको राइट की तरफ पे जो क्लिक करना है ये, इस पे क्लिक करके सेव कर देना है। तो हमारी आवाज़ आ गई, मान ली आवाज़ हमारी गलत आ गई तो हम इसको डिलीट करना चाहते हैं। जो काइंड मास्टर लिखा हो ना ये वाला, तो ये देखिए काइंड मास्टर लिखा हुआ ये वाला, इसको हम, ये हमारी आवाज़ है तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमने इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। तो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद आती है ऑडियो की। ऑडियो के अंदर दोस्तों जो सॉन्ग आते हैं, कोई रिकॉर्डिंग आती है या कुछ भी आप लगाना चाहते हैं म्यूजिक में, तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो जैसे मेरी ये सॉन्ग है, इसको मैं एडिट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे प्लस का निशान बना हुआ है, इस पे हमने क्लिक कर देना है, तो ये हमारा एडिट हो जाएगा ये सॉन्ग, ठीक है। तो एडिट पे करने के बाद अगर हम इसको चाहते हैं डिलीट करना, तो दोबारा हमें इस पर क्लिक कर देना है और उसको वापस इस बॉक्स पर क्लिक कर देना, डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों यहाँ के फीचर। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर आती है एक, ये देखिए आप फंक्शन देख लिए, रोटेट भी कर सकते हैं और आपको एनिमेशन भी बता दिया। एक आती है दोस्तों इसके अंदर क्रोमा की। क्रोमा की का फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए वीडियो है, इसके ऊपर मैंने कोई एक दूसरी वीडियो लगानी है, तो मान लीजिए मुझे दूसरी वीडियो लगानी है ये वाले, ठीक है। तो ये वीडियो मेरी यहाँ पर आ चुकी है, तो एक क्रोमा की का ऑप्शन आएगा दोस्तों। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को पूरा करना, तो ये पूरी भी आ जाए, यहाँ पे आ जाती है, ये देखिए। ये क्रोमा की का यूज़ दोस्तों आपको सबसे पहले एक बैकग्राउंड लेना होगा, तब क्रोमा की काम करती है। वरना देखिए मैं छोटी सी वैसे बता देता हूँ, ये क्रोमा की का ऑप्शन आ गया, ये देख लीजिए ये वाला, ये क्रोमपिंग का है, ये एनिमेशन के आगे, ठीक है। तो हमें दोस्तों क्रोमा की का आपको बता देता हूँ, क्रोमा की पर अपने क्लिक कर देना है, उसके बाद इनेबल कर देना है, यहाँ से ऊपर राइट की तरफ से इसको इनेबल कर देना है। और जो इसके आप चाहे इसको जितना मर्जी कर सकते हैं, सेट कर करना होगा, ऐसे क्रोमा की काम करती है, ठीक है। उसके बाद आपको और बता देते हैं, क्रोमपिंग का ऑप्शन आता है, ये क्रोमपिंग वाला, इसका आप जितना मर्जी क्रोप कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से ये क्रोमपिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोस्तों इसको उन्हें ऑन कर देना, मास्क वाला ओपन हो गया ऑन। तो ये दोस्तों ये है क्रोमा की का फंक्शन। उसके बाद मान लीजिए हमारी कोई वीडियो हमने डिलीट की थी, उसको दोबारा हमने लेके आना, तो उस पर कैसे क्लिक करना होगा। तो जैसे ये लेफ्ट की तरफ निशान है, इस पर कर देना है, तो हमारा कुछ भी डिलीट हुआ हो वापस आ जाएगा उस पर, देखिए ये वापस आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों ये हो चुका है। उसके बाद मान लीजिए हमारी वीडियो पूरी तैयार हो चुकी है, तो हमें इसको सेव करना है। सेव करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारी वीडियो सेव हो जाएगी, ये आ गई। उसके बाद हमने दोस्तों डाउनलोड करना है या अपने शेयर करना है, तो कहाँ इस पर हमने इस वीडियो पे कर देना है क्लिक। तो ये देखिए फंक्शन इसके निकल गया, यहाँ से चला के देख सकते हैं, यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट बना सकते हैं और यहाँ पे इस वीडियो को डिलीट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट शेयर करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, या मैं इसको सेव वीडियो टू गैलरी कर सकते हैं, या डायरेक्ट
यूट्यूब पे सेव कर सकते हैं, फेसबुक पे, गूगल पे, यहाँ पे सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सेव एज सेव वीडियो टू गैलरी पे करता हूँ क्लिक। उसके बाद दोस्तों इसके फंक्शन खुल गए फुल HD, ये देखिए फुल HD, हाई डिफेंसी, मीडियम और लो। आप जहाँ पे भी सेव करना चाहें, भी लो क्वालिटी में चाहते हैं या फुल में चाहते हैं या हाई में या फुल HD में, तो उस पर आपने क्लिक कर देना। मान लीजिए मैं हाई में चाहता हूँ या फुल HD में चाहता हूँ, तो मैं वहीं पर क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं लो पे करता हूँ क्लिक, लो पे क्लिक करने के बाद मेरी ये एक्सपोर्ट हो जाएगी मेरी वीडियो और मेरी डायरेक्ट गैलरी में चली जाएगी। अगर शेयर करना चाहें तो दोस्तों ऐसे आप शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारे काइंड मास्टर की पूरी फीचर, फुल हिडन फीचर काइंड मास्टर की पूरी जानकारी, पूरी एडिटिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक जरूर करना। अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों हमारे चैनल पर एक गिवे स्टार्ट किया हुआ बोया का माइक और ट्राईपैड का, तो अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो आज का हमारा कोड है 25 9 25 9। इसको मेरी ईमेल आईडी के ऊपर सेंड कर दें, आप भी एक विजेता बन सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आने वाली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।